पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने इस दौरान रफाल, जीएसटी, कर्ज माफी से लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस को नफरत फैलाने वाला संगठन बता दिया। तो वहीं सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। देखिए रिपोर्ट। सेवा दल के अधिवेशन में गरजे राहुल, बीजेपी पर राहुल की सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी का सीधा निशाना बीजेपी पर रहा। सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। राहुल ने कहा कि मोदी जी बड़े अच्छे भाषण देते हैं और कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। राहुल की माने तो मोदी ऐसे भाषण देकर कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने रफाल, जीएसटी, कर्ज माफी समेत तमाम मुद्दों पर भी पीएम मोदी का घेराव किया, तो वहीं आरएसएस को नफरत फैलाने वाला संगठन तक करार दे दिया। लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको नुकसान हो, किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। आप कहीं भी जाके बोलो, चौकीदार जवाब मिलता है चोर, चौकीदार चोर, और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की। उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, गहलोत और पायलट का वार। उधर कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। देश में आज जो घृणा का माहौल बना रखा है, अविश्वास का है, नफरत का है, संवेदनहीनता का है, हिंसा का माहौल है, उसका मुकाबला हमें करना है। हमें करने में दमखम हम लोग हैं। उस विचारधारा को और व्यापक बनाना है जो समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है। पंडित नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने, सेवा दल ने, हमारी विचारधारा ने देश को कुछ दिया है, देश को जोड़ने का काम किया है। और टकराव की राजनीति, जहर की राजनीति, आपस में लोगों को लड़ाने की राजनीति, ऐसी राजनीति करने वाले लोग आज दिल्ली में बैठे हैं। उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम सबका मिलकर काम करने का एक उद्देश्य बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। आत्मविश्वास से लबरेज राहुल ने यहां तक दावा किया कि अब सेवादल कांग्रेस का सबसे मजबूत संगठन बनकर उभरेगा। कार्यक्रम भले ही सेवादल का रहा हो, लेकिन अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी अधिकांश समय बीजेपी को कोसते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इनको ये भी समझ नहीं आता है।